आखिरकार एक सुखद सूचना है कि ललितपुर से अपहरण करे गए बच्चा सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। पुलिस ने एक बढ़िया खुलासा करे और अच्छी खबर सुनाई है ललितपुर जिलावासियों को। दरअसल 4 तारीख को सवेरे एक अज्ञात नकाबपोश महिला द्वारा 5 साल के बच्चा आशीष को ललितपुर शहर के नेहरू नगर से अपहरण कर लो गो तो ये पूरे मामले में अपराध पंजीबद्ध करेगा तो और पुलिस की कई सारी टीमें बरामदगी के लाने लगाई गई थी और कई जगह तलाशी के बाद पुलिस को सफलता मिल गई और मड़ावरा थाना क्षेत्र के रनगांव निवासी एक होमगार्ड शंकर बरार के घर से ये बच्चा को बरामद कर लो गो है। पूछताछ करने पर पतो चले कई होमगार्ड के बेटा की शादी को लगभग 16 साल हो चुके थे लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं भई और तंत्र विद्या से नाबालिग बच्चा की बलि देवे से संतान की प्राप्ति करने की चाहत थी। सो 80,000 रुपया में एक महिला जी को नाम गीता उर्फ चंदावली है तो उसे बच्चा दिलावे को सौदा करेगा और गीता उर्फ चंदावली नाम की महिला ने चेहरा ढक के ये मासूम बच्चा को अपहरण करे तो ये पूरे मामले में पुलिस ने शंकर बरार उके बेटा बहू और दामाद को गिरफ्तार करे है जबकि मुख्य आरोपी गीता उर्फ चंदावली अब फरार चल रही है। करीब 5 साल की उम्र का एक लड़का आशीष उसको किडनैप कर लिया गया थे महिला द्वारा। इस घटना के तुरंत बाद जनपद ललितपुर की पुलिस टीम जो है चौकन्नी हो गई, सतर्क हो गई। लोगों के द्वारा इस अपहृत लड़के की बरामदगी के लिए करीब 15 टीमें लगाई गई। 15 टीमों के द्वारा पिछले 2 से 3 दिन के अंतर्गत करीब 72 घंटों के अंदर में हम लोगों ने इस अपहृत बच्चे को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, बरामद किया है। इस पूरे काम में करीब 4 लोगों की हमने गिरफ्तारी की। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम जब हुआ है इसमें एक महिला है, इनका नाम है गीता। इन्होंने जो है इस बच्चे को किडनैप किया था बेचने के लिए। ये जिस व्यक्ति को बेचा है ये थाना मड़ावरा के रानी गांव का व्यक्ति है। ये इस वक्त होमगार्ड की नौकरी कर रहा है मदनपुर में। इसका नाम शंकर बरार है। इसने इस बच्चे को लिया था क्योंकि इसका जो बेटा था उसकी शादी को 16 वर्ष हो गए थे और कोई संतान नहीं थी। इसी चक्कर में इसने सोचा इस बच्चे को खरीदा था। इस पूरे प्रकरण में कुछ 4 लोगों की लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है। इसमें शंकर की पत्नी इंदिरा, इसके अलावा उसका बेटा दामाद जितेंद्र, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गीता जिस महिला ने बच्चे को किडनैप किया था वो अभी भी फरार चल रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। अपने खुद के घर में बच्चा नहीं भाई सो दूसरे के बच्चा को अपहरण करके ऊ परिवार की खुशियां उजाड़वे को कृत इन लोगन के द्वारा करे गो और अब जे केवल और केवल सख्त सजा के लायक हैं। ललितपुर से सौरभ जैन बुंदेली पहुंचा के लाने।